एडवांस टैक्स में जाने के लिए यहाँ पर एक टैक्स का होना जरूरी है। ये मेरे बनाया हुआ टैक्स है, मैंने यहाँ से यहाँ जाके कस्टम टैक्स में जाके यहाँ से सिलेक्ट करके यू ड्रैगन ड्रॉप करके यूँ डाला है इस टैक्स को, बराबर है। इस प्रकार से मैंने इस टैक्स को डाला है। एडवांस में जाने के लिए यहाँ एक टैक्स का होना जरूरी है। बाहर से जो कुछ भी होता है वो मैंने आपको दिखा दिया। रही बात एक ये टैक्स में जो ये गुलाब के फूल वाला दिख रहा है वो मैंने एक वीडियो में इस्तेमाल किया था। टैक्स के साथ जो भी पिक्चर होता है या हम खड़े हो और ये टैक्स का इस्तेमाल किया जाए तो हम पे गुलाब के फूल पड़ते हैं, ये टैक्स ऐसा है। तो इस टैक्स को इस प्रकार से इस्तेमाल करना है तो ज़रूर करना दोस्तों। मैंने एक बार किया था, मेरे एक वीडियो में अपने पे गुलाब के फूल डालता है, ये टैक्स में ऐसी बात है। इस्तेमाल करके यहाँ पे प्ले करके देख लेने का इस प्रकार से, तो वो टैक्स यू प्ले करोगे तो क्या होता है वो अपने आप दिखाई देता है। प्ले करने का ऑप्शन तो होता ही है। अब एडवांस में चलते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया मैंने, जो सब बातें यहाँ पे बहाल थी यही है। अब एडवांस में और यहाँ पे एक बात मेरे को और बताने की रह गई थी, टैक्स कलर्स आई एडवांस में ही दिखा देता हूँ। तो जब एडवांस में हम चलते हैं तो एडवांस में एनिमेशन भी होता है, कस्टम भी होता है, यहाँ से ब्रॉड वो ये सब बातें तो होती ही है। प्लस यहाँ से टैक्स लिख सकते हो, यहाँ से प्लस टैक्स कर सकते हो। अगर आपको कुछ टैक्स मजीद प्लस करना है तो यहाँ से कर सकते हो। फिर इस प्रकार से सिलेक्ट करके, जो सिलेक्ट हम यहाँ से करते थे यूँ, इसके बजाय ये एडवांस में यहाँ इस प्रकार से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, सब जो जो सब काम करना है वो यहाँ से एडवांस में हो सकता है। और इसको भी पकड़ के यूँ हम घुमा सकते हैं, ये साइड में दिख नहीं रहा था आपको, तो ये एक डिस्प्ले अलग ही होती है, अपने हिसाब से यूँ सेट करनी होती है। और एडवांस में एक बात ये होती है, टैक्स है तो ये जो बात दिखानी है वो है, यहाँ से टैक्स फाइल होती है, दूसरी एक गेडियन फाइल होती है, और तीसरी मज़ेदार ये फाइल इमेज फाइल होती है दोस्तों। इमेज फाइल का रिजल्ट देखो, क्लिक करने पे बहुत बढ़िया आएगा। ये एक फिक्स फाइल होती है, इस प्रकार से होती है। ये एम्बॉस ग्लेविंग, जो ग्लेविंग एम्बॉस डिप होता है फोटोशॉप में, उस प्रकार से स्ट्रक्चर तीन बात मिला के मैं ये फोटोशॉप में इस्तेमाल करता हूँ। ये बात इमेज फाइल में एक में आ जाती है। ये टेक्स्ट को गोल बनाता है, एम्बोस करता है, इसमें शेडोस डालता है और बीच में स्ट्रक्चर भी आ जाता है। मैं इसी प्रकार के मेरे थंबनेल में टेक्स्ट बनाता हूँ फोटोशॉप में। इसमें तीन बात करनी पड़ती है, वो तीन बात यहाँ से एक ही बात करने पर आ जाती है। और ये रही ग्रेडियंट फाइल, ग्रेडियंट फाइल में क्या होता है, यहाँ से कलर पिकअप करना है। अब ये रेड है, रेड के बजाय मैं ये ब्लू कर दूंगा यहाँ पर, तो ये ब्लू से शुरू होगा, और यहाँ पे मैं ग्रीन कर दूंगा तो ये ग्रीन थे। इस प्रकार से यहाँ पर मैं ब्लैक कर दूंगा, और यहाँ पर मैं कोई भी और वाइट कलर कर दूंगा तो ये ब्लैक से होकर वाइट तक जाएगा। तो यहाँ पर जो कलर हम डालते हैं इस प्रकार से, यहाँ से टेक्स्ट शुरू होते हैं वाइट, तो ये ग्रेडियंट होता है, ब्लू से शुरू होके वाइट हो जाएगा। तो ग्रेडियंट फाइल यहाँ से होती है इस प्रकार से, इसको ग्रेडियंट कहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर भी मजीद बातें बहुत सारी होती है, यही सब यहाँ पे टेक्स्ट बदल सकते हो जो बदलना है। फिर ये बात भी यहाँ पर भी है, जो बाहर है एडवांस में भी ये है, कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ से ब्रॉड करना है अगर टेक्स्ट को तो ये ब्रॉड कर सकते हो, जिस हिसाब से आपको टैक्स रखना है तो ये टैक्स यहाँ से इस प्रकार से छोटे बड़े यहाँ से होते हैं। जब ये हो जाने के, ज़्यादातर ब्रॉडी रखा करो क्योंकि टैक्स डालना है तो ब्रॉडी डालो। फिर यहाँ से ब्लर होता है, आपको ब्लर जितना करना मजीद वो कर सकते हो। ओपेसिटी यानी कि आपको बहुत डल में दिखाना है तो इसको कम कर दो तो टैक्स बहुत ही लाइट दिखेंगे ट्रांसप्लांट की तरह, तो ये यहाँ से ओपेसिटी कम होती है। फिर ये एंगल चेंज होता है, अपना जो बनाया है उसका एंगल इस प्रकार से आप चेंज कर, यहाँ पर भी फोटोशॉप की तरह टैक्स में बहुत कुछ कर सकते हो। फिर टैक्स बॉर्डर यहाँ से आ सकती है, बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, फिर बॉर्डर की ओपेसिटी चेंज कर सकते हो। अब टैक्स बॉर्डर करके जब इसका ब्लर किया जाता है साइज बराबर है, तो ये साइज बढ़ाने पर ये टैक्स की बॉर्डर काम करेगी, जो भी कलर डालोगे। बहुत ही बकवास सा कलर आ गया, मेरा माउस बिगड़ गया, यहाँ से हैंग हो रहा है कंप्यूटर सिस्टम, यार अभी हैंग होना था तेरे को, ये सिस्टम भी। तो मेरे
कलर कोई अच्छा ब्लैक ही डाल देता हूँ, मेरे को ब्लैक कलर ही पसंद है, बराबर है ये ब्लैक बराबर है। तो अब ये आप बॉर्डर को इस प्रकार से बड़ा छोटा करो, मजीद फोटोशॉप की तरह ये सब काम करता है, बराबर है। इसमें ब्लर हो रहा है देखो कम ज़्यादा, और ओपासिटी तो 100% ही रखनी है, तब ब्लर का रिजल्ट मिलेगा आपको, बराबर है। ब्लर हो रहा है तो ज़रूरत के हिसाब से फोटोशॉप की तरह इसमें भी आप ये सब कर सकते हो, इसकी साइज़ बड़ा कम सक कर सकते हो। फिर इसके शेडो, जो फोटोशॉप में शेडो आते हैं, इसी प्रकार से इसमें यहाँ पर से भी ये शेडो आपको दिए गए कि आपको किस प्रकार से शेडो करने हैं। शेडो के लिए इसको पहले मेरे को ऊपर लेना पड़ेगा देखो, और ये शेडो में आप कलर भी डाल सकते हो, यहाँ से आपको जो मजीद कलर डालना है डबल क्लिक करके ओके कर देना है यहाँ से, तो वो कलर के शेडो आ जाएंगे। ये सब बातें यहाँ एडवांस में दी गई है, उसमें भी यहाँ से ओपेसिटी भी दी गई है शेडो की, शेडो में ब्लर दिया गया है, फिर उसका डिस्टेंस डिस्टेंस भी दिया गया है, तो यहाँ से ये सब बातें होती है। उसके बाद में मैं आपको और एडवांस में जा रहा हूँ। अब मेरे को ये टेक्स्ट सिलेक्ट करना है और इसे डिलीट करना है, सारा सिलेक्ट, और यहाँ से जो भी नहीं चाहिए उसको डिलीट कर सकते हैं। अब बात आई टेक्स्ट डालने के बाद एरोस की, आपको कभी कभी दोस्तों ऐसा कुछ बना के लिखना होता है, तो ये डबल क्लिक करने पर टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स आने के बाद वही मजीद यहाँ पर से आप इसमें भी चेंजेस लिख सकते हो, इसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट ईयर है, इसको आपको इतना। अब एडवांस में एक मज़े की बात यह है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एडवांस में, और तो सबसे पहले तो मुझे इसकी अब कोई ज़रूरत ना है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब एडवांस में हमने फोटोशॉप एआई में कुछ बना के रखा है, उसे हमें इसके अंदर लाके डालना है, तो उसके लिए यहाँ जाना है, जो मैं ये माउस कर्सर फिर रहा है यहाँ पे, यहाँ जाने के बाद आपका कंप्यूटर खुल जाएगा। तो मैंने मेरे माई वर्क में जब मैं एआई और फोटोशॉप सीख रहा था दोस्तों, तब तो प्रैक्टिस के लिए मैंने ये सब बनाया था, तो डबल क्लिक करने पर अपने आप खुल जाता है, तो ये डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक करने के बाद ये आ गया। अब यहाँ से शिफ्ट दबा के ये कॉर्नर पे जाके शिफ्ट दबा के काम करना, जब भी करना है कहाँ भी करो, फोटोशॉप में करो, एआई में करो, यहाँ शिफ्ट दबा के कॉर्नर से ये छोटा बड़ा करने पर इसकी जो साइज होती है दोस्तों वो वही सेम रह जाती है। उसके बगैर शिफ्ट के बगैर ये काम करोगे तो इसकी साइज छोटी बड़ी होती है, तो ये छोटा बड़ा यहाँ से टेक्स्ट को यूँ कर सकते हो फोटोशॉप से, यहाँ लाने के बाद फिर इस प्रकार से इसे जहाँ पर भी आपको रखना है यूँ रख सकते हो टेक्स्ट अपनी ज़रूरत के हिसाब से। फिर अगर आपकी कंपनी का कोई लोगो है, तो ये मैंने जब मैं फोटोशॉप एआई बनाता था तब मैंने ये दोनों चीज़ एआई में बनाई हुई है, तो इसको डबल क्लिक करने पर भी ये अपने आप आ जाएगा, या नीचे ओपन लिखा हुआ था ओपन पर भी आ जाएगा। इसमें भी सेम चीज़ है, आपको शिफ्ट दबा के ही काम करना का है, जितना मर्जी इसको बड़ा कर लो, देख लो ये फटेगा नहीं, इसकी धार ये जो आप देख रहे हो, मैं माउस ले जाके दिखा दूँ, इसको बोलते हैं राउंड शेप धार, यानी कि जो बॉर्डर लाइन है इसको मैं जितना भी बड़ा या छोटा कर लूँ दोस्तों ये फटता नहीं है, छोटा करूँ तो भी यही मेजरमेंट रहेगा इसका। क्यों? क्योंकि ये मैंने एआई में बनाया हुआ है, एआई की यही खासियत है, एआई की चीज़ होती है, और कितनी भी बड़ी या छोटी साइज़ में कर दो देख लो तो वो सेम रहती है, ये लोगों की खासियत है, इसको लोगो बोलते हैं। लोगों में यही होना चाहिए, छोटा भी करो तो भी दिखना चाहिए, बड़ा भी करो तो भी ये दिखना चाहिए, इसको लोगो बोलते हैं। तो मैंने ये एक छोटा सा लोगो बनाया हुआ है, मेरा मेरा नहीं है, किसी के लिए बनाया था, सीखता था तब। तो इस प्रकार से आपकी कंपनी का अगर कोई लोगो है तो इसे यहाँ पर इस प्रकार से जहाँ भी आपको कॉर्नर पे जहाँ भी रखना है इस प्रकार से रख देना है, बराबर है। फिर इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है तो इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। तो ये थे टैक्स, इस प्रकार से डाले जाते हैं दोस्तों टैक्स। टैक्स के बारे में इतना है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक तो जरूर ही करो, हो सके तो सब्सक्राइब जितना हो सके उतना करो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो, मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।